हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रवि यादव सर, फिजिक्स फैकल्टी। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट लेंज लॉ, कराटे लॉ, राइट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एडी करंट्स। प्यारे बच्चों, जो एडी करंट्स है वो भी आपका सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही डिपेंड करता है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास जो भी कंप्लीट आप ईएमआई स्टडी कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके पास एक ही कंसेप्ट होगा कि आपके पास ये कोई क्वाइल है, इस क्वाइल में आप फ्लक्स लिंक करेंगे। फ्लक्स लिंक करने से ये क्वाइल अपने आप को चेंज करेगा, उस चेंज की वजह से या तो आपको इंड्यूस करंट मिलेगा या फिर इंड्यूस ईएमएफ। सेम कंडीशन आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है एडी करंट। तो प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है, एडी करंट, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो प्यारे बच्चों, सेम कंसेप्ट होगा, तो बिल्कुल केयरफुली लिसन करना है और नोट में राइट कीजिए। व्हेन सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ए मेटल पीस व्हेन सम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए मेटल पीस देन द मेटल पीस चेंज देन द मेटल पीस चेंज एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर लूप्स और एडीज which are called eddy currents। कंसेप्ट आपका सेम है, जो आप डेफिनेशन आपने फैराडे फर्स्ट लॉ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन किया, इंड्यूस ईएमएफ का डेफिनेशन किया। सो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट आपका सेम वही है। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक मेटल पीस है, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक मेटल पीस। बेटे पहले आप ना डायग्रामेटिक रूप से अंडरस्टैंड कीजिए, डेफिनेशन अपने आप बना के लिख देंगे आप, रटना नहीं आपकी चीजें। वो भाई, इस मेटल पीस में आपने यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स आपने लिंक किया। जैसे इस मेटल पीस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे प्यारे बच्चों, ये मेटल पीस इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, और एक अपोजिशन की वजह से यहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट। प्यारे बच्चों, ये जो इंड्यूस करंट बनेगा ना, ये आपका कैसे फॉर्म में मिलेगा? इरेगुलर फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में या इरेगुलर वे में। इरेगुलर फॉर्म कह सकते हो, इरेगुलर लूप आप कह सकते हो, जिसको आप और क्या बोलते हो, एडी। और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एडी करंट। मीनिंग क्लियर है? डेफिनेशन देखो, व्हेन सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ए मेटल पीस देन द मेटल पीस चेंज। फिर जैसे ही आपने इस मेटल पीस में मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक किया, ये मेटल पीस क्या होगा, चेंज। चेंज मींस ये मेटल पीस इस फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने से चेंज होगा और फिर यहां से क्या डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये तो इंड्यूस करंट मिलेगा ना आपको, ये इंड्यूस करंट इरेगुलर फॉर्म में होगा, इरेगुलर लूप में होगा। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, एडी करंट। डेफिनेशन क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एवरीवन क्लियर? ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ये जो एडी करंट हमने बनाया है, इस एडी करंट के एप्लीकेशंस, यूजेस क्या क्या है, कहां पे आप इनको यूज करते हैं। देखो, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं वो अपने डेली लाइफ से रिलेट करता है। सो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है एडी करंट का टॉपिक है, वो अपने डेली लाइफ में कैसे रिलेट करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो भी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है,
इन सभी में मेट्रो ट्रेन आपने देखे हैं। अब आप देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन काफी हाई स्पीड पे होता है और प्यारे बच्चों को विद इन 20-30 मीटर बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल वहीं पे जाम हो जाता है। तो उसमें से कौन से ब्रेक्स हैं? बेटे उसमें जो मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज किए गए हैं ना, उन मैग्नेटिक ब्रेक्स में कौन सा करंट यूज होता है? एडी करंट। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो ब्रेक्स होते हैं ना, उनमें जो करंट यूज होता है प्यारे बच्चों, कौन सा करंट होता है? दैट करंट इज एडी करंट। इट मीन्स ये आपका यूज हो गया ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, डेली लाइफ से रिलेट करा दिया। सेकेंडली भाई, बाइक तो लगभग सभी के घरों में है, व्हीकल जो भी गाड़ी है, जितने भी व्हीकल हैं सभी में प्यारे बच्चों दो टाइप के मीटर होते हैं। एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। आप देखते हैं ना भाई, आप देखें जैसे आपने एक्सेलरेटर यूज किया तो आप देखें स्पीड 60 हो गई, 70, 80, 90, 100, 120, यानी कि जो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। जैसे आप एक्सेलरेटर को ऐसे करेंगे हाई स्पीड लेगा, एक्सेलरेटर को छोड़ दो अपने आप स्पीड डाउन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो स्पीड है वो सेकंडों में ही मैक्सिमम से मिनिमम आ जाती है, मिनिमम से मैक्सिमम चली जाती है। तो उसमें जो करंट काम करता है स्पीडोमीटर में, जो करंट काम करता है वो कौन सा करंट है? एडी करंट। मीन स्पीडोमीटर में जो करंट आप यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा करंट यूज कर रहे हैं? वो आपका एडी करंट है। तो डेली लाइफ में यूज हो गया भाई। तो अब हम नेक्स्ट, आप इस कॉपी देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो वन? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, कॉपी हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी के एप्लीकेशन हम करते हैं। एप्लीकेशन मीन्स होता है यूजेज। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। बड़े नेक्स्ट टॉपिक आप बनाएंगे, हेडिंग बना दो सभी बच्चे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ एडी करंट। जो एडी करंट है साइंटिस्ट का नाम है प्यारे बच्चे, एडी कोई तेजी नहीं है आपकी, एडी है। ठीक है, अभी तो एडी है भाई, एडी का करंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, कभी लोकल लैंग्वेज लेके चलो कि भाई अपना जो पैर का लोअर पार्ट होता है वो एडी, वो नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है एडी। ठीक है, सो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा प्रैक्टिकल यूज हमने इसका किया, तो आप कह सकते हैं ब्रेक, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका होगा ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन जैसे आप कह सकते हैं मेट्रो, मेट्रो। ठीक है, सेकंड आप कह सकते हैं इन स्पीडोमीटर, इन स्पीडोमीटर। अब भाई जरूरी नहीं है बाइक में लगाओ, जितने भी व्हीकल्स होते हैं सब में स्पीडोमीटर होता है, आजकल व्हीकल भी आने लगे। इन स्पीडोमीटर, इन इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन लोकल डीप हीट ट्रीटमेंट। सो प्यारे बच्चों ये फाइव यूजेज आपके पास हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन समझते हैं अच्छे से।
सो प्यारे बच्चों देखो भाई, ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन सभी को क्लियर है। मैं जो मेट्रो ट्रेन होते हैं उनमें आप यूज करते हैं। स्पीडोमीटर आपको डिस्कस करा दे, दो भी व्हीकल्स होते हैं, स्पीड आप देखते हैं वहां से। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है बेटे? जो आपका इंडक्शन फर्नेस है वो आप ये कह सकते हैं कि आप जब किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, इट मीन्स आपके सरफेस से आपने कोई भी मेटल लिया, तो बेटे उस मेटल के पास उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होते हैं, तो मेटल प्लस इम्प्योरिटी मिलकर बनाते हैं ओर। तो मेटल को उस इम्प्योरिटी से अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, प्रोसेस होता है मेटलर्जी। और प्यारे बच्चों जो प्रोसेस को आप करेंगे ना यूज एक्सट्रैक्ट करने में, आप किसका यूज करेंगे? इंडक्शन फर्नेस होता है, ठीक है, और उसमें कौन सा करंट यूज होता है? एडी करंट, क्लियर। उसके बाद आपके पास है इन लोकल डीप हीट ट्रीटमेंट। बेटे अपने बॉडी में कुछ ऐसे अनएक्सेसिबल इनएक्सेसिबल पार्ट्स होते हैं जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उनमें आप क्या करते हो? उनमें आप एडी करंट के हेल्प से एक्सेस उनको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल यूजेज हैं एडी करंट के। सो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो एडी करंट है उसके डिसएडवांटेज लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग बना लो भाई, सभी हेडिंग बनाइए। आपका जो हेडिंग होगा वो आपका होगा बेटे डिसएडवांटेज और आप कह सकते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ एडी करंट। तो प्यारे बच्चों नोट कीजिए, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। बेटे यहां पे भी ये रह गया एडवांटेज की, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन, यानी एडी करंट जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं बेटे, डेफिनेशन में आपने देखा कि जब आप किसी भी मेटल पीस में मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करेंगे, ये मेटल पीस इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि अपोजिंग नेचर आ गया। बेटे यहां पर अपोजिंग नेचर होगा तो वहां पर डेफिनेटली हीट का लॉस होगा, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट आपका होगा ड्यू टू अपोजिंग नेचर, ड्यू टू अपोजिंग नेचर एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस होगा किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। सेकेंडली प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हैं सेकेंडली हीटिंग इफेक्ट बन गया यहां से ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इट कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड अदर डैमेजेस, एंड अदर डैमेजेस सच एज मेल्टिंग ऑफ इंसुलेशन। देखो प्यारे बच्चों बेटे एडी करंट का नेचर अपोजिंग है, अपोजिंग नेचर की वजह से एनर्जी लॉस होगा आपका किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। या आप ये कह सकते हैं कि एडी करंट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट होगा तो प्यारे बच्चों एनर्जी का आपका लॉस होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जब आपके मान लीजिए ये कोई एक वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में से आपने एडी करंट पास किया, एडी करंट का अपोजिंग नेचर है, अपोजिंग नेचर इस वायर को होल्ड करेगा, ये वायर होल्ड होके क्या होगा, एनर्जी का तो वेस्टेज होगा ही, बट इसके साथ साथ इसमें जो इंसुलेटर आपने किया हुआ है, जो इंसुलेशन किया हुआ है वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये दोनों से क्या है, डिसएडवांटेज ड्रॉबैक्स है, ठीक है। सो राइट कीजिए,
ठीक है प्यारे बच्चों, प्रॉपर लेते हैं इसको। अब प्यारे बच्चों देखो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है। तो हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा मेथड्स टू मिनिमाइज, मेथड टू मिनिमाइज एडी करंट। भैया कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्या हम 100% एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम एडी करंट को कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट उसको कुछ कम कर सकते हैं। भाई मान लो जहां पे इसके 40% था, आप उसको 20% या 10% कर सकते हैं, बट उसको 40 से 0 पे नहीं लेके आ सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो राइट डाउन, लिसन केयरफुली, एडी करंट्स, एडी करंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर बट कैन बी डिक्रीज बाय। अब देखो बेटे, हम ये कह रहे हैं कि हम एडी करंट को 100% मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट हम एडी करंट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। उसका जो ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, व्हाई यू थिंक इन पैरेलल मेटल सीड्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड बाय प्लेसिंग them parallel to the magnetic field. प्यारे बच्चों, राइटिंग बिल्कुल फोकस करें बोर्ड पे। देखिए बेटे, एडी करंट को आप टू वे में मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग थिन पैरेलल मेटल शीट्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आप मेटल के थिन शीट लीजिए, उन सभी को इंसुलेट कीजिए और सभी के दूसरे क्या रखो, पैरेलल। बात समझ आ रही है? जैसे आपने एक सीट ले लिया, इसको आपने इंसुलेट कर दिया, एक सीट ले लिया, इसको इंसुलेट कर दिया, इसको कर दिया, और सभी को कैसे रखा आपने, एक दूसरे के पैरेलल रखा। बात समझ आ रही है? और सेकंड पॉइंट में कहता है, एंड बाय प्लेसिंग देम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन सभी सीट्स को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। नहीं समझ में आ रहा है? सो देखिए, अभी नोट नहीं करना है किसी को। प्यारे बच्चों, ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रखे सभी को इंसुलेट किया, एक दूसरे के सारे क्या है, पैरेलल है। सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इन सभी को हम मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखें, सभी को मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखेंगे भाई, पैरेलल रखेंगे, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया यहां पे साउथ।
गया भाई साउंड, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, पैरेलल होगा ऐसे, तो डायग्राम बिल्कुल राइट होना चाहिए आपका, क्योंकि मेन जो है आपका डायग्राम में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप एडी करंट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। मैंने कहा समझ में अच्छे से नोट कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना, ठीक है, नोट डाउन। प्यारे बच्चों एडी करंट आपका कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक एक सेल्फ इंडक्शन, अच्छा टॉपिक है, काफी लोग इससे सारे टॉपिक अच्छे हैं। बेटे नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बना लो सेल्फ इंडक्शन, और हेडिंग बनाते ही पेन स्टॉप हो जाए कंप्लीट फोकस बोर्ड पे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों भाई नाम से पता लग रहा है सेल्फ, सेल्फ तो भाई सेल्फ ही हो गया, ठीक है। यानी कि एक क्वाइल है, उस क्वाइल में आपने कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, और वही क्वाइल उस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करे, अपोज। तो प्यारे बच्चों ये जो फिनोमिना होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ इंडक्शन। जैसे कि भाई ये आपके पास मान लो ये क्वाइल हो गया फर्स्ट, ये क्वाइल हो गया सेकेंड, बेटे आपने इस क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्वाइल क्या करे, अपोज करे। तो इस फिनोमेना को आप क्या नाम दोगे, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई फ्लक्स इसमें लिख किया अपोज इसने किया तो सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ का काम ही होगा दूसरे ने किया तो एक कोई और कांसेप्ट बनेगा, ठीक है। सो बेटे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन सिंपल होगा बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं एक क्वाइल अपोज एनी चेंज इन इट्स करंट, this phenomena is called self induction। भाई आपने जिस क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया उसी क्वाइल ने अपोज किया, तो बेटे फिनोमिना कौन सा बन गया, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सो इसी के बेस पे अभी राइटिंग नहीं करना है किसी को भी, अच्छे से बस ऑब्जर्व कीजिए बेटे। इसलिए आपका एक नया टॉपिक बनेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और आप कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। और प्यारे बच्चों इसका सिंबल होता है एल, कैपिटल एल। देखो इन दोनों में से कोई भी एक नाम आप इसको दे सकते हो, बेटे पूरा फोकस बोल रहे आपका एवरीवन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसी, अब हम कंप्लीटली सेल्फ इंडक्शन को सॉल्व कर रहे हैं डीपली बेटे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और वी कैन सी दैट सेल्फ इंडक्टेंस, सिंबल इसका क्या है, इसका सिंबल है कैपिटल एल, ठीक है भाई, कैपिटल एल से इसको डिनोट आउट करेंगे। अब आपको अच्छे से क्लियर है, जब आप किसी भी क्वाइल में फ्लक्स लिंक करेंगे तो बेटे क्वाइल उसको अपोज करेगा, अपोज करने से कुछ करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा।
सो यानी कि ये जो करंट का ईएमएफ बनता है वो किस वजह से बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से बनता है, क्लियर है ना। सो आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। आई क्या है भाई, करंट इन द कॉइल, I is current in the coil. I is the current in the coil. ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, जब आप इस साइन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लिया phi is equal to L I. L I. यहाँ पे जो L है ना, this is constant of proportionality. And is called, और क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम, मीनिंग क्लियर। सो प्यारे बच्चों अब इस रिलेशन से आप किसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है ना। सो यहां से आप कह सकते हैं एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, बेटे ये बन गया रिलेशन। एल अपना किसके बराबर होगा, फाइव अपॉन आई, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होगी, ये देखो सेल्फ इंडक्शन, बेटे ध्यान देना लिखना नहीं कुछ भी, देखो कंप्लीट मैथमेटिकल चल रहा है, कुछ करना नहीं हमें, चीजें अपने आप माइंड में आती चली जाएगी। सो आप कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस may be defined as the magnetic flux linked with the coil per unit करंट, पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू ई, पासिंग थ्रू ई, देख रहे हो भाई। डेफिनेशन आपने बना लिया, सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो फाई अपॉन आई, फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, आई आपका करंट। सो आप कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में डिफाइन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू ई। So, प्यारे बच्चों ये आपका बन गया डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए इसको, कोई भी प्रॉब्लम है अभी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो रटना नहीं है चीजों, कुछ भी रटना नहीं है आपको, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉपी करो प्लीज। ठीक है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जैसे हमने लिखा सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। प्यारे बच्चों चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, इन तीनों का मीनिंग सेम है, सिंबल इनका क्या है, एल। ठीक है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, ये आपने किया प्रैक्टिकली, आपने जब इसको एक्सपेरिमेंटल किया तो आपने ये रिजल्ट यहाँ से ऑब्टेन किए, ठीक है।